वेलकम करता हूँ आप सभी के जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, तो स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी खूबसूरत होने वाला है क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं माइनर एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान। यह 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि लिस्ट द माइनर एलिमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो छोटे मोटे जो समस्या महिलाओं में आता है, उन समस्याओं को सूची बनाएं और किसी एक समस्याओं पर चर्चा करें। तो आज भी हम लोग वही देखेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले समस्याओं को लिस्ट बनाएंगे और किसी एक लिस्ट पर हम लोग विस्तृत से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा, आप लोग समझिएगा। सबसे पहला है कि माइनर एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लघु विकार, यानी छोटे छोटे समस्या, ठीक है ना। गर्भकाल के दौरान गर्भवती महिला को प्रायः निम्नलिखित लघु विकार होते हैं, ठीक है। एक महिला गर्भवती है, आप लोग खुद भी देखते होइएगा कि एक महिला जब गर्भवती में होती है तो उसको अलग अलग जो है समस्या देखने को मिलता है। वो समस्या निम्न प्रकार है, देख लीजिए। सबसे पहला है मॉर्निंग सिकनेस है, प्रातःकालीन रुगणता, समझ गए। सुबह सुबह जो है मॉर्निंग सिकनेस, जिम चलना उल्टी की तरह लगता है, मॉर्निंग सिकनेस। चक्कर आना, फेंटिंग, चक्कर आना महिलाओं में। अम्ल सुल मतलब हर्ट बन, ठीक है, हर्ट जो है करेजा जो है सीना जलन करता है। कब्ज बहुत ज़्यादा बनता है इस समय। और वैरिकोज वेन, यानी वैरिकोज वेन मतलब होता है कि जो नस होता है वह नस में सब में सूजन आ जाता है, ठीक है। वैरिकोज वेन नस में सूजन हो जाता है, उसके नस सूज जाता है। मांसपेशी में एंठन मतलब मस्कुलर क्रैम्प्स आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बार बार मूत्र त्याग करना, मतलब बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। बैक एक, कमर दर्द। उसके बाद ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब टाइटनेस हो जाता है ब्रेस्ट में। नींद ना आना, इसे हम लोग इंसोमनिया कहते हैं, ठीक है। तो यह हमारा 10 समस्या है। चलिए एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए एक बार में, ठीक है। पहला है मॉर्निंग सिकनेस, उसके बाद है चक्कर आना, हर्ट बर्न, ठीक है, कंस्टिपेशन मतलब कब्ज होना, वैरिकोज वेन, उसके बाद है मस्कुलर क्रैम्प्स, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, बैक एक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, इंसोमनिया। यह 10 समस्या है, और भी समस्या होते हैं, मतलब यह 10 आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना था, मैंने बना दिया, ठीक है। तो किसी एक पर आपसे चर्चा करने के लिए पूछेगा डिटेल्स में। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान पाए जाने वाले लघु विकार एवं उसके प्रबंध, तो हम लोग चलिए जो है मॉर्निंग सिकनेस के बारे में, इसके प्रबंध के बारे में समझेंगे। किसी एक पर पूछेगा तो आपको जो याद हो आप बता सकते हैं, इसमें जो भी है, चाहे कंस्टिपेशन हो, चाहे चक्कर आना हो, ये सब नॉर्मल है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। बट मैं एक आपको समझा देता हूँ मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, प्रातःकालीन रुगणता के बारे में, ठीक है। देख लीजिए मॉर्निंग सिकनेस होता क्या है। यह लक्षण गर्भकाल मतलब गर्भ के समय प्रथम तिमाही, मतलब जो प्रथम तिमाही होता है उसमें जो है यह देखने दिखाई देता है, ठीक है। इसमें गर्भवती महिला का जी घबराता है। इसमें होता क्या है मॉर्निंग सिकनेस में कि जी घबराता है तथा बार बार उल्टी करने की इच्छा होती है, ठीक है। सामान्यतः यह समस्या प्रथम तिमाही की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। होता कब है तो यह गर्भकाल का लक्षण जो है प्रथम तिमाही के दौरान दिखाई देता है, समझ गए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान दिखाई देता है। इसमें गर्भवती महिला का जी घबराता है और बार बार उल्टी करने की इच्छा होती है, समझ गए, सुबह के समय। सामान्यतः यह समस्या प्रथम तिमाही के समाप्ति के साथ ही समाप्त भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग सिकनेस। क्या होगा मॉर्निंग सिकनेस में, जी घबराएगा, बार बार उल्टी करने की इच्छा होती है, ओके। कारण क्या है, तो कारण है कि प्रथम तिमाही के दौरान जो ल्यूमन करियोनिक होता है इसका स्तर बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। तो प्रथम तिमाही के दौरान ल्यूमन करियोनिक का स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा ल्यूमन करियोनिक के स्तर बढ़ने के कारण प्रथम तिमाही में ये होता है, ओके। उपचार इसका क्या है, ट्रीटमेंट क्या है मॉर्निंग सिकनेस का, तो देख लीजिए यह समस्या सुबह उठते समय ही ज़्यादा होती है। मैंने पहले ही बताया कि सुबह के समय होता है, तो यह समस्या जो है सुबह उठते ही उसी समय ज़्यादा होती है। अतः गर्भवती महिला को उठते ही बिस्किट या टोस्ट खाने की सलाह देनी चाहिए। अब एक महिला है, सुबह उठी, अगर वह खाली खाली है प्रेगनेंसी में, खाली खाली उठ गई और वो खाली पेट है, तो उसको यह समस्या देखने को मिल सकता है। तो ऐसे कंडीशन में सुबह उठते ही बिस्किट या टोस्ट खाने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है। महिला को हल्का सुपाच्य भोजन लेने की सलाह देनी चाहिए।
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चूँकि यह समस्या होता है ल्यूमन कोरियोनिक बढ़ने के कारण, तो आपको जो है हल्का फल्का भोजन लेते रहना चाहिए, ठीक है, सुपाच्य भोजन लेना चाहिए ताकि आसानी से पच जाए। तीसरा है, महिला को खाना एक साथ खाने की जगह थोड़ा थोड़ा भोजन कई बार लेने की सलाह देनी चाहिए। अगर मॉर्निंग सिकनेस होता है तो ऐसा ना है कि एक बार पूरा खा ले, थोड़ा थोड़ा लेकर कई बार खाए, ठीक है। गर्भवती महिला को अत्यधिक वसायुक्त फैट वाला जैसे पनीर, मक्खन, तली हुई चीज़ें आदि खाने से बचने की सलाह देना चाहिए, ठीक है। एक गर्भवती महिला है उसको अत्यधिक वसायुक्त भोजन खाने से बचना चाहिए, जैसे पनीर, मक्खन, तली हुई चीज़ें आदि खाने से बचने की सलाह देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह समस्या उत्पन्न करता है, ओके। पांचवा है, गर्भवती महिला को सलाह देना चाहिए कि वह खाली पेट तरल पदार्थों का सेवन न करे। महिला को सलाह दें कि सुबह उठते मात्र बहुत लोग पानी पी लेते हैं खाली पेट, वो नहीं करना चाहिए, खाली पेट तरल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जिम मचलाना तथा उल्टी होना गर्भ अवस्था के दौरान समान है, मॉर्निंग सिकनेस का लक्षण होता है जिम मचलना, उल्टी होना, ठीक है, और गर्भ अवस्था में ये तो समान है, होता ही रहता है, बट यह प्रायः प्रथम तिमाही के समाप्त होते ही समाप्त हो जाते हैं। बट ये जो मॉर्निंग सिकनेस है, जी मचलना, उल्टी होना, यह प्रथम तिमाही के समाप्त होते ही समाप्त हो जाते हैं, जो कि गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि गर्भवती महिला को समस्या ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है। लेकिन यदि उल्टियाँ ज़्यादा होने लगे तो चिकित्सक के सलाह अनुसार दवाइयाँ लेनी चाहिए। देखिए, मॉर्निंग सिकनेस एक नेचुरल है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा, जी घबराना, उल्टी होना, बट यह ज़्यादा गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, जिससे चिंता लेने की ज़रूरत हो। लेकिन अगर उल्टियाँ ज़्यादा होने लगे तो चिकित्सक के सलाह अनुसार दवाइयाँ लेनी चाहिए, ओके। तो ये चीज़ें होता है, तो मॉर्निंग सिकनेस एक पर मैंने डिस्कस कर दिया, इसी प्रकार से आपको जो भी पूछेगा उस पर डिस्कस करना रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश है, आप चाहें तो इंग्लिश में भी चीज़ों को लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे रखा हूँ, ठीक है। जो लोगों को भी इंग्लिश चाहिए आप आराम से इंग्लिश में जो है अपना लिख सकते हैं चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा। छोटा छोटा वीडियो हम इसीलिए ला रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके, कम समय में बहुत अच्छे से समझ सके, ओके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।